क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स? एज वेल एज यू नो, यस्टरडे आई टॉट यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड आल्सो वी एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन दैट चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. यू नो इनपुट डिवाइसेस डेफिनेशन एग्जाम्पल्स we taught yesterday, and output device definitions examples I taught yesterday, and in some information in the memory terms also I explained yesterday. Students, overall things, now today I again remind you input output session. It is the last day of this chapter, and yesterday students I tell you, you send whatever you make the notes about input and output, but some students are sent and maximum students are not sent. Why? I want to ask you, why you not send class 9th students? Some students are sent but some students are not sent. It is a not good. Okay, when you complete the notebooks, then take the pictures of that things, and after that taking pictures you must be sent in the Columbus application. Okay, you must be sent in the Columbus application. When you send, then I understand now you are created or not created, and you are written or not written. Okay students, today in this you just see here the four topics again and five topics again is here. First, input device. Again, a device that lets you enter data or instruction in a computer is known as input device. It is clear to all? A device that lets you enter data or instruction in a computer is known as input device. Examples, you very much know, standard input device is to keyboard and mouse. After that some more examples of input devices you also know, like that is scanner, camera, web camera, and joystick. It is input devices. Students, central processing unit, second term is central processing unit. You know those students, what is the central processing unit? CPU kya hai? Students, I want to share you एक स्मॉल, देखो ऐसा है स्क्रीन पर, देखो बेटा ऐसे, ये डॉट 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 डॉट, ये जो दिख रहा है ये इस तरह का एक प्रोसेसर लगा होता है कंप्यूटर के सीपीयू में, ठीक है, और इसी प्रोसेसर के नाते आप इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टूडेंट्स क्या है? ये डिवाइस है दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर ऑपरेशन. प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है स्टूडेंट्स, इसका केवल यही काम है कि कंप्यूटर द्वारा जो भी ऑपरेशन दिए गए हैं, दोज ऑपरेशन गिवन बाय द कंप्यूटर, दे हैव टू हेल्प टू परफॉर्म ऑफ द ऑल गिवन इंस्ट्रक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. इट इज इंटरनल पार्ट ऑफ द सीपीयू, बिकॉज यू नो वेरी वेल सीपीयू कंजिस्ट फोर थिंग्स. सीपीयू कंजिस्ट फोर, सॉरी थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज कंजिस्ट रजिस्टर एंड स्टेटमेंट्स, मेमोरी एंड रजिस्टर. फर्स्ट इज कंजिस्ट इन द सीपीयू. सेकेंड इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सेकेंड इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. एंड आफ्टर दैट थर्ड इज कंट्रोल यूनिट, CU कंजिस्ट. स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ, लिसन केयरफुली. CPU कंजिस्ट थ्री थिंग्स. फर्स्ट रजिस्टर और मेमोरी, सेकेंड ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड इज वॉट? थर्ड इज CU, कंट्रोल यूनिट. सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच टाइप ऑफ हेल्प इन द कंप्यूटर प्रोसेसिंग टर्म्स? स्टूडेंट्स यू नो ए डिजिटल सर्किट दैट इज यूज टू एग्जीक्यूट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर. सपोज दैट यू नीड टू एड सम नंबर, सो अर्थमेटिक लॉजिक हेल्प दैट एडिंग द बोथ नंबर्स.
मल्टीप्लाइंग डिवीजन एंड सो ऑन दोज परफॉर्मेंस यू नीड इन अर्थमेटिक एंड लॉजिक टर्म. सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हेल्प्स टू यू परफॉर्म दैट थिंग. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स कंट्रोल यूनिट. स्टूडेंट्स कंट्रोल यूनिट्स व्हाट्स टू डू. ए डिजिटल सर्किट कंट्रोल यूनिट स्टूडेंट्स इज ए डिजिटल सर्किट दैट्स हेल्प इन विच फील्ड. स्टूडेंट्स ए डिजिटल सर्किट दैट सुपरवाइजेज एंड मॉनिटर्स द फंक्शन परफॉर्म बाय द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. इट मीन्स द होल एंटायर कंप्यूटर सिस्टम दोज परफॉर्मेंस given that all things is contained in the control unit. Overall students, after that when control unit is finished, then our topic in this side. Student, you just see here output devices. Okay, an electronic equipment that is connected to a computer and is used to communicate result of the processed data to the user. It means output device is only receive. Output device is only receive the information after the completing processing term. When you just give set instruction to the computer, when computer do the processing, and after the processing those result you get, that ones comes on the output device. Students, next one is memory. Memory, it means what? The area where you can store information and retrieve it. The area where you can store information and retrieve it, it is called the memory. मतलब एक ऐसी जगह students, is a type of place where you store something and after that when you need then you get from that things. That system is memory. And you know very well which type of memory we use to do that function. Secondary memory is permanent memory. Primary memory is main memory. Memory have two types, primary and secondary. Primary memory is main memory and secondary memory is permanent memory. Primary memory helps to you do some programming startup works and secondary memory helps to you store the information. Primary memory have two part, RAM and ROM. RAM, random access memory, have two part, SRAM, DRAM. ROM, read only memory, have three part, PROM, EPROM, double EPROM. Okay, programmable read only memory, electrically programmable read only memory, erasable programmable read only memory, or electrically erasable programmable read only memory. Okay, students, today is whole thing is finished. Input, output, memory, all the session are finished here. You make the notes, it is your homework, and all students send, not one or two, all students send for making the, after the making the notes. Okay, thank you, Jai Hind.